15 अगस्त कल का दिन था जब बांग्लादेश के अंदर आईएसआई ने बैठ के अपना फ्यूचर प्लान भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके बना लिया है। इस पूरे प्लान का नाम ऑपरेशन पिन कोड रखा गया है। इस पूरे ऑपरेशन में बांग्लादेश एक बेस बनकर प्रयोगशाला बनाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक लेबोरेटरी तैयार करने का एक रणनीति तैयार की गई है। यहाँ पर तीन एक्टर्स बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आईएसआई बांग्लादेश में रहेगी, आईएसआई का समर्थन बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी करेगी, और जमाते इस्लामी का जो सबसे बड़ा लीडर है जिसका नाम है अब्दुल हसन मुआदिश, उसने आईएसआई के ब्रिगेडियर डी के बख्श जो इस समय आईएसआई के बिहाफ पर बांग्लादेश में बैठा है, उस बंदे ने एक समर्थन बनाकर एक अलायंस क्रिएट कर लिया है। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संगठन यहाँ पर जो काम आएगा वो है मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट ऑफ म्यांमार। मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट ऑफ म्यांमार को आज की डेट में अब्दुल कादिर मुल्ला जो है वो लीड करता है। अब खेल समझिए, ब्रिगेडियर डी के बख्श आईएसआई के, अब्दुल हसन मुआदिश जमात इस्लामी का, और इसके साथ साथ अब्दुल कादिर मुल्ला जो है मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट ऑफ म्यांमार का। ये तीनों लोग अब ऑपरेशन पिन कोड के तहत बांग्लादेश को एक बेस बनाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कैसे करेंगे। यहाँ पर जो कल का निर्णय लिया गया है वो ये है कि इन्होंने 19 ट्रेनिंग कैंप्स भारत की सीमा जो पश्चिम बंगाल के साथ है बांग्लादेश की, वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिए हैं। आईएसआई पश्चिम बंगाल के मदरसों के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ पर लोगों को रेडिकलाइजेशन ट्रेनिंग ऑलरेडी दे रहा है। अब इन 19 ट्रेनिंग कैंप्स को जो इस्टेब्लिश किए गए हैं पिछले एक हफ्ते में जब से शेख हसीना गई है, तब से इन कैंप्स के अंदर रेडिकल ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। पैसा हवाला के थ्रू आ रहा है। इस्लामिक बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वहाँ से पैसा भेजा जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक करके है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शाखाएँ आज की डेट में बांग्लादेश में खोली गई हैं। इन बैंक्स में रेमिटेंस आएगा, पैसा हवाला के थ्रू आएगा। बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से जब पैसा आएगा तो ये दिखाया जाएगा कि ये बांग्लादेश में मुसलमानों के विकास के लिए पैसा आ रहा है। ये सारा पैसा इन 19 ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर जाने वाला है। अब खेल क्या होगा, एक जगह पर पश्चिम बंगाल के अंदर रेडिकलाइज्ड मदरसों के अंदर मुसलमानों की जो ट्रेनिंग दी जा रही है उनको उकसाया जाएगा, आसाम में जो मदरसे बने हुए हैं उनके अंदर जो रेडिकलाइज ट्रेनिंग दी जा रही है उनको उकसाया जाएगा, तीसरा बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी के ये जो 19 ट्रेनिंग कैंप्स हैं इनसे असला बारूद और रेडिकलाइज लोगों को तैयार करके बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कराया जाएगा। अब खेल ये होगा कि ऑपरेशन पिन कोड के तहत सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर आने वाले 4 से 6 महीने में आप ऑब्जर्व कीजिएगा, छोटे छोटे रायट्स होंगे, अनरेस्ट क्रिएट किया जाएगा, सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी। हिंदू मुस्लिम इलाकों में जहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की संख्या जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट है थोड़ी सी, कहीं हिंदू ज़्यादा हैं और मुसलमान कम और मुसलमान ज़्यादा हैं हिंदू कम, वहाँ पर कम्युनल क्लैशेस को प्लान किया जाएगा। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस्लामिक एजेंडा को चलाया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन पिन कोड जो है इसका एक एंड गोल सेट किया गया है 15 अगस्त यानी 2024 कल। क्या है वो एजेंडा, वो एजेंडा ये है कि ऑपरेशन पिन कोड बनाएगा एक बंगिस्तान, बंगिस्तान यानी कि एक बृहत बांग्लादेश। बृहत बांग्लादेश का मतलब होता है एक ग्रेटर बांग्लादेश। इस ग्रेटर बांग्लादेश में भारत की नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरीज़ को तोड़ा जाएगा, इन टेरिटरीज़ को तोड़ के उनको बेसिकली बांग्लादेश के साथ जोड़ा जाएगा। ऐसा आईएसआई ख्वाब रखती है, ख्वाब रखने में कोई बुराई नहीं। ख्वाब तो आदमी यहाँ पर यह भी रखता है कि मैं चांद पे जाऊँगा, लेकिन हर बंदा जो है अपने घर से फर्स्ट फ्लोर से छलांग नीचे नहीं लगा पाता। तो आईएसआई को भी ख्वाब रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो एंड गोल है आप इसको मत देखिए, आप देखिए कि इस एंड गोल को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सोशल अनरेस्ट, रायट्स, छोटे छोटे कम्युनल क्लैशेस, इस्लामिक एजेंडा करना, रेडिकलाइजेशन करना, ये नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 बढ़ेगा। दूसरा,
आज मैं पिछले कई वीडियोस में जो बांग्लादेश के आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, पिछले एक से दो हफ्ते में मैं ये बात बोल चुका हूँ कि बांग्लादेश को बेस बनाकर आईएसआई ये चीज़ रणनीति के तहत नॉर्थ ईस्ट में ड्रग इकोनॉमी क्रिएट करेगी, क्योंकि इस ड्रग इकोनॉमी से नॉर्थ ईस्ट का सोशल फैब्रिक घटेगा। अब आप ट्विन एजेंडा समझिए, ट्विन एजेंडा यहाँ पर क्या है? ट्विन एजेंडा ये है कि आप सबसे पहले लोकल्स पे अटैक कीजिए, वायलेंस करवाइए, सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब कीजिए। जब पूरे सोसाइटी का सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होगा, सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी। उस सरकार की तरफ से कार्रवाई में सरकार मिलिट्री का, पुलिस का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, इनका प्रयोग करेगी। एक ऐसा इमेज क्रिएट किया जाएगा कि पूरा एरिया डिस्टेबलाइज है और वायलेंस है। यहाँ पर इस डिस्टेबलाइज एरिया में एक हीलिंग टच देने की जो आवश्यकता होती है, उस हीलिंग टच को ना आने से पहले रिहैबिलिटेशन के नाम पर आईएसआई ड्रग्स बेचेगा। और ये जो ड्रग इकोनॉमी क्रिएट होगी, जो रिहैबिलिटेशन के लिए लोग दर्द को महसूस करने से रोकने के लिए अपने परिजन जिनको खो बैठेंगे इन कम्युनल क्लैशेस में, उस दर्द को भुलाने के लिए जो ड्रग का कंजम्पशन होगा, ये आईएसआई का लार्जर एजेंडा है। यही चीज़ इन्होंने पंजाब में की थी, क्योंकि 1970 और 80 के दशक में जब खालिस्तान का टेररिज्म इन्होंने पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, और 1990 के अंदर जब खालिस्तान टेररिज्म को सरकार ने ख़त्म किया, उसके बाद से पूरे पंजाब में रिहैबिलिटेशन के नाम पर, क्योंकि उस पूरे खालिस्तान के इशू का क्लोजर कभी नहीं हुआ, तो वहाँ पर एक ड्रग इकोनॉमी पाकिस्तान ने क्रिएट करी। और वो ड्रग इकोनॉमी आज की डेट में क्या खमियाजा भुगत रही है कि पंजाब को उड़ता पंजाब बोला जाता है। दूसरी बात बताता हूँ, यही चीज़, यही रणनीति आईएसआई आज की डेट में कश्मीर में अपना रही है। कश्मीर में नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि कश्मीर की जनता जो कि एक लंबे पीरियड ऑफ वायलेंस से जूझ चुकी है, उसको किसी प्रकार का हीलिंग टच और रिहैबिलिटेशन नहीं मिला, उसको ड्रग एडिक्ट बना रही है। और अब तीसरा इलाका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तो इंसर्जेंसी दोस्तों 1960 से रही है। ये जो 1960 से इंसर्जेंसी रही है वहाँ पर और सेसेशनिज्म रहा है, इसके कारण सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो ये डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन है, ये डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन की वजह से जो वहाँ पर लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो हीलिंग टच ना मिलने के कारण ड्रग इकोनॉमी की एंट्री होगी। तो ऑपरेशन पिन कोड ध्यान रख लीजिए, 15 अगस्त को बन चुका है, ये ऑपरेशन पिन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। इस ऑपरेशन पिन कोड को एग्जीक्यूट करने की रणनीति स्पष्ट है, रायट्स, अनरेस्ट, क्लैशेस, कम्युनल वायलेंस, हिंदू मुस्लिम वायलेंस, ड्रग्स, आर्म्स, रेडिकलाइजेशन, पूरा कैंपेन, पूरा गेम, ये जो बन चुका है भारत के लिए नई सिरदर्दी है। सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे इस पूरे पिन कोड के ऑपरेशन को रोकने के लिए, इस रणनीति को तोड़ने के लिए। धन्यवाद।